एंटीलिया केस का तिलिस्म गहराया। एपीआई सचिन बाजे की भूमिका पर सवाल। क्या सचिन बाजे ने नष्ट कर दिए सबूत? कहां गई बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज? क्या एंटीलिया केस के पीछे सचिन बाजे का दिमाग है? मुंबई पुलिस के सुपर कॉप सचिन बाजे के खिलाफ एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास 25 फरवरी को खड़ी स्कॉर्पियो का तिलिस्म गहराता जा रहा है, लेकिन इसमें जो राज छन छन कर बाहर आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये महज चिट्ठियां नहीं है, वो सबूत है जो एंटीलिया केस से पर्दा उठा सकते हैं। एनआईए के हाथ 3 चिट्ठियां लगी हैं। पहली चिट्ठी सीआईयू के एपीआई रियाज काजी की है। ये चिट्ठी रियाज काजी ने साकेत सोसाइटी को लिखी थी। दूसरी चिट्ठी साकेत सोसाइटी की है, जो सोसाइटी की तरफ से स्थानीय पुलिस स्टेशन को लिखी गई थी। तीसरी चिट्ठी एटीएस ने साकेत सोसाइटी को लिखी है। इन चिट्ठियों का राज हम उजागर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि 25 फरवरी को एंटीलिया के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो मिली थी, जिसमें से जिलेटिन की छड़े बरामद हुई थी। 26 फरवरी को मुंबई पुलिस ने यह केस सीआईयू के अफसर सचिन बाजे को सौंपा था। उसके 2 दिन बाद ही 27 फरवरी को सीआईयू यानी क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के एपीआई रियाज काजी ने साकेत सोसाइटी के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी। रियाज काजी ने इमारत के सीसीटीवी डीवीआर की मांग की थी। रियाज काजी ने सोसाइटी से 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक की फुटेज मांगी थी। 27 फरवरी को ही सोसाइटी ने रियाज काजी को 17 से 24 फरवरी तक की सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवा दी थी। सवाल यह है कि क्या रियाज काजी अपनी ही यूनिट के अफसर सचिन बाजे के घर सबूत तलाशने गए थे, या फिर सीसीटीवी की फुटेज अपने पास लेकर सबूत मिटाने की कोशिशों में लग गए थे? ये चिट्ठियां गवाही दे रही हैं कि किस तरह इस केस के सबूतों को एक एक जगह से मिटाया गया है। सीआईयू के एपीआई रियाज काजी जिस तरह साकेत के सीसीटीवी फुटेज और डीपीआर अपने साथ ले गए, उससे रियाज और सचिन बाजे के ऊपर शक गहराना लाजमी है। ये लेटर सीआईयू के एपीआई रियाजुद्दीन काजी ने लिखा है कि जो पूरा ये केस हुआ है उसके इन्वेस्टिगेशन अब सीआईयू कर रही है, और साकेत बिल्डिंग का जहां पर सचिन बाजे खुद रहते हैं उस पूरे बिल्डिंग का जो सीसीटीवी फुटेज है और डीवीआर है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। सीआईयू के 4 पुलिस वाले साकेत बिल्डिंग गए थे और डीवीआर का पूरा कब्जा उन्होंने 27 फरवरी को लिया। जब जांच एजेंसी को इसके बारे में पता चला तो एटीएस की टीम साकेत बिल्डिंग पहुंची डीवीआर को लेने के लिए, लेकिन बिल्डिंग के ऑफिशियल्स ने साफ कह दिया कि एपीआई सचिन बाजे और उनकी टीम सारा का सारा सीसीटीवी फुटेज लेकर चली गई है। आपको बता दें कि साकेत वही सोसाइटी है जहां सचिन बाजे रहते हैं और जहां मनसुख हिरेन भी रहते थे। जो स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर के पास मिली थी उसके मालिक मनसुख हिरेन थे। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन ने स्कॉर्पियो चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। यहां जरा गौर फरमाएं कि 17 फरवरी को स्कॉर्पियो चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और सीआईयू के एपीआई रियाज काजी ने सोसाइटी से 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक की सीसीटीवी फुटेज और डीपीआर अपने कब्जे में ले ली थी। अब सचिन बाजे पर एनआईए का शक गहराता जा रहा है। एनआईए को शक है कि सचिन बाजे ने सोसाइटी के भीतर स्कॉर्पियो को छिपा कर रखा था। 17 तारीख को मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार चोरी होती है और 25 तारीख को यही स्कॉर्पियो कार मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के घर से बाहर बरामद होती है, जिसके अंदर जिलेटिन स्टिक और धमकी भरा खत होता है। अब जांच एजेंसियों को यह शक है कि क्या सचिन बाजे ने इन बीच के दिनों में ये स्कॉर्पियो कार अपने बिल्डिंग के कंपाउंड में छुपा कर रखी थी।
एनआईए की टीम अब सीआईयू के एपीआई रियाज काजी से पूछताछ में जुटी है। आज लगातार तीसरे दिन रियाज काजी से पूछताछ हुई है। एनआईए को यकीन है कि रियाज और सचिन वाजे से पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा।